आप जब ये बोलेंगे सब बोलेंगे सभी वेरिएबल है और भी मान कह रहा है चाय चाय पीने का मतलब चलो सर चाय पी लें फोटो नहीं है फोटो सभी बीएलई भाई दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओमकार त्यागी, मैं सीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ से आप लोगों के बीच में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन दर्शन कार्यक्रम में फेसबुक के माध्यम से प्रस्तुत होता हूं और जो हम उम्मीद करते हैं कि जो खेती बाड़ी के बारे में जानकारी आप लोगों तक साझा करें और क्योंकि आप लोग गांव देहात में रहते हैं और खेती बाड़ी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं करते भी हैं, आपसे संबंधित जो किसान भाई है वो सभी करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो ये कि आलू की रोपाई कैसे करें, इस संबंध में क्या खाद की मात्रा डालें, खरपतवारों का जमाव का रोकाव कैसे करें, तरह तरह के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमें इस समय जो तापक्रम चल रहा है वो फसलों के लिए इस समय सरसों की बुआई तो काफी टाइम से कर रहे हैं, आलू की रोपाई का बुआई का समय बहुत अच्छा समय है। आपके खेत खाली हैं तो कुछ किसान भाई जो बड़े अग्रेसिव फार्मर हैं, जो लगनशील हैं, जैसे कन्नौज में देखा है, फरुखाबाद में भी गया था वहां देखा मैंने, तो काफी लोगों ने रोपाई की भी है और कुछ कर भी रहे हैं। कुछ लोग कुछ पहली फसलें काट के धान की फसल काटने के बाद भी रोपाई करेंगे। तो आलू की रोपाई के लिए इस समय का तापक्रम उचित है, इस समय आप तुरंत रोपाई कर दें क्योंकि इस समय जल्दी में रोपाई करने पर फसल बहुत अच्छी रहती है। जो आलू में बीमारी लगने की जो झुलसा लगता है, गेती झुलसा, उसकी संभावना कम हो जाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बीज का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द सीड। बीज कहाँ से लें? बीज या तो आप हर साल आलू में बीज, दो साल के बाद आलू में बीज, हम जो भारत सरकार के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है या बहुत अच्छे सीड ग्रोवर्स हैं या अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं वहां से बीज लें और हर साल एक एकड़ या एक बीघा बीज लगाएं, उसको तैयार करें, उससे हम नया बीज अगले साल तैयार कर सकते हैं। बीज एक फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, चाहे गेहूं का बीज हो या आलू का बीज हो, किसी का बीज हो। आलू में बीज में अशुद्धता, इम्प्योरिटी बहुत पाई जाती है, मार्केट से आप लेते हैं तो जहां से भी लें वहां से बीज देख करके लें और उसका रसीद लें कि कहां से बीज लेते हैं, चाहे वो जिले का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, उद्यान विभाग हो या आपका कोई प्रोग्रेसिव फार्मर हो। अच्छे किसानों के पास भी अच्छा बीज मिल जाता है, लोग बीज उत्पादक किसान भाई हैं जो बीज बोते हैं, जैसे मेरठ में काफी बीज ग्रोवर्स हैं, बीज उत्पादन करते हैं आलू का, फरुखाबाद में बहुत सारे बीज उत्पादन करते हैं, आगरा के अंदर बीज उत्पादन करते हैं, वो अपना बीज कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, समय आने पर उसको निकालते हैं, किसान भाइयों को देते हैं। तो बहुत से किसान भाई इस समय चिप्सना वैरायटी लगाते हैं। चिप्सना क्या होता है कि चिप्सना दो तरह की प्रजातियां होती है, एक लंबी होती है, गोल होती है, जो हमारा जो चिप्स आती है उसमें प्रयोग की जाती है, तो करते हैं। तो मैं सभी भाइयों को, किसान भाइयों को या बीएलयू को निवेदन करता हूं कि वो आलू जरूर लगाएं क्योंकि आलू एक नकदी फसल है, नकदी फसल मतलब कैश क्रॉप है, जिसे खोद कटाई करने के बाद तुरंत पैसा आपको मिल जाता है। और आलू एक ऐसी फसल है, अगर समय आपका मौसम साथ देता है तो आलू से अच्छी कोई फसल नहीं है, क्योंकि आलू में जिन किसानों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जो लोग इस ट्रेड को बहुत टाइम से 10-15 साल से खेती कर रहे हैं तो उन्होंने अच्छा कमाई भी की है इसमें, लेकिन थोड़ा रिस्की है। रिस्की ऐसे कि मौसम अगर खराब हो जाता है विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे बहुत ज्यादा पाला पड़ जाता है या कोई बीमारी लग जाती है, तो आलू में नुकसान होने की संभावना बहुत रहती है, लेकिन फिर भी प्रकृति किसान का साथ देती है, फिर भी कुछ बहुत अच्छा उत्पादन, थोड़ा बहुत 10-15% नुकसान होता है फिर भी हो जाता है। तो आलू ऐसे भी प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ आलू की पैदावार नहीं होती है, खेती नहीं होती है, तो आलू वहां पर आप बेच सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आलू आपसे घर बैठे ले लेती हैं, जैसे पेप्सी है, फरुखाबाद कन्नौज में टाई अप कर रही, तो वहां से आलू आपसे ले लेकर ले जाती है। तो आप अगर तकनीकी खेती करते हैं, बहुत अच्छा खाद दवाई या बोरोन जिंक सल्फेट सागरिका बहुत अच्छे उत्पाद डाल करके आलू की रोपाई करते हैं, क्वालिटी वाला उत्पन्न करते हैं, होती क्वालिटी होती क्वांटिटी, दोनों में अंतर होता है। क्वालिटी मतलब आपका आलू बहुत अच्छा होगा, राउंड होगा, कोई इसमें खरोंच नहीं होगी, क्वालिटी कहते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट से सब्जियां खरीद रही हैं, अन्य उत्पाद खरीद रही हैं। अगर आने वाले समय में आलू भी खरीदते हैं, हम आपको साझा करेंगे, आपसे नंबर भी लेंगे, आपसे कंपनियों का टाई अप कराएंगे। तो इस समय आलू की रोपाई करते समय खाद बहुत महत्वपूर्ण कारक है, कौन कौन सा खाद डालते हैं किसान भाई, जैसे फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो होता है, जैसे डीएपी होता है, 12-32-16 होता है, 20-20-0 होता है, तो फास्फेटिक खाद का आलू की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना आलू की पैदावार नहीं होगी। तो किसान भाई, बहुत से किसान भाई चार चार बैग डीएपी के
या 5 बैग DAP की, 3 बैग DAP डालते हैं तो ज्यादा हो जाता है। देखिए DAP के अंदर जो फास्फोरस होता है वो पौधे की जड़ों का निर्माण करता है, और आलू एक ऐसी फसल है जिसमें नंबर ऑफ ट्यूबर्स जड़ों में लगते हैं। गांठे कहाँ बनती है? जड़ के अंदर बनती है। तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी है, तो उसमें हम 70 से 100 किलो फास्फेटिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जमीन को बुआई करते समय देना चाहिए डीएपी। अगर सिंगल सुपर फास्फेट देंगे तो कम से कम 4 से 5 बैग देने पड़ेंगे, तो फास्फोरस कंटेंट बराबर होगा। अगर 12-32-16 देंगे तो 125 किलो देना पड़ेगा एक एकड़ में। डीएपी हम 70 से 75 किलो देंगे एक एकड़ में, उसके साथ में पोटास जरूर देंगे 20 से 25 किलो प्रति एकड़, क्योंकि पोटास डालने से पौधों में बीमारी कम लगने की संभावना रहती है। साथ ही साथ हम उसमें थोड़ा सा यूरिया देंगे 20 किलो। इन सब का मिक्सचर बना करके हम बुआई रोपाई करते समय खेत में जब अंतिम जुताई होती है ना, या जो रोटावेटर जो उससे आप आलू की रोपाई करते हैं, पोटैटो जो इम्प्लीमेंट होता है आलू रोपाई करने का जो यंत्र होता है, उस समय उसके साथ में आलू के साथ डाल दें, या खेत में आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और उसमें आप DAP पोटास यूरिया मिला करके डाल दें। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है, जिंक तत्वों की, जिंक सल्फेट डाल सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़, लेकिन ध्यान दें कि उसमें मिलाकर ना डालें DAP। सागरिका एक उत्पाद आता है, सागरिका का बहुत अच्छा रिजल्ट है आलू की फसल में। सागरिका दानेदार होता है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालेंगे तो इससे क्या होता है कि DAP पूरा प्लांट को एब्जॉर्ब हो जाएगा, और पौधा एब्जॉर्ब करने पर पूरा उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसमें अच्छी पैदावार होगी, 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है। तो खाद का, फर्टिलाइजर का इस समय बहुत ही समझदारी से प्रयोग करना है उसमें, क्योंकि उसमें अगर खाद, और कोशिश करें कि खाद इफ्कोकाई लें या अन्य जो अच्छी कंपनियां वहां से लें, डुप्लीकेट मिलने की बहुत संभावना रहती है, तो उससे किसान भाइयों को नुकसान होने का डर रहता है, क्योंकि आप खर्चा भी करते हैं, बीज भी महंगा है, खाद भी महंगा है, तो इससे अगर नुकसान होता है आपको तो आपका पूरा इसमें दिक्कत होती है। तो अच्छी जगह से आप बीज लें, अच्छी जगह से खाद लें और उसकी इस समय रोपाई कर दें। कुछ क्षेत्रों में हाथ से रोपाई की जाती है, कुछ क्षेत्रों में मशीन के पोटैटो प्लांटर होता है उससे रोपाई करते हैं। आज तो तकनीकी बहुत हो गया है, पोटैटो प्लांटर से रोपाई कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि उससे दूरी बराबर रहती है, हाथ से रोपाई करने में दूरी कम रहती है। तो जो पोटैटो प्लांटर होता है ट्रैक्टर के पीछे रोपाई करते हैं, आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे किसान है कन्नौज में, आगरा में, फर्रुखाबाद में, एटा में, या ऐसे जो आलू उत्पादित क्षेत्र है मेरठ में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, आपका बदायूं में, मैंने काम भी किया इन क्षेत्रों में, आलू फसल में बहुत काम किया। तो इनमें जो पोटैटो प्लांटर होते हैं तो वो ट्रैक्टर के पीछे करके एक एकड़ में वो एक दिन में कहीं कहीं एकड़ की रोपाई कर देते हैं, उससे दूरी और खाद प्रॉपर जगह डाला जाता है, पड़ता है, तो उससे आप कर सकते हैं। और उसमें आपका उसमें दो फसल भी ले सकते हैं आलू की, एक कच्ची खोद होती है, एक पक्की खोद होती है, दूसरी पूरी होती है 120 दिन की। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जमीन का कितनी जमीन है, आप पे ज्यादा जमीन है तो ज्यादा कर सकते हैं, कम है तो फिर क्रॉप रोटेशन, उसके बाद गेहूं की फसल लेनी है तो गेहूं की फसल ले सकते हैं। तो खाद इसमें डालना चाहिए, बहुत आवश्यक। सागरिका एक ऐसा उत्पाद है जो आप हमारे पोर्टल पे मिल जाएगा, ई बाजार में, वहां से लेके उसमें डाल सकते हैं, डालना चाहिए 10 किलो प्रति एकड़, क्योंकि पौधे की जड़ मोटी और नंबर ऑफ ट्यूबर कांटे तभी बनेगी जब उसमें खाद की मात्रा प्रॉपर होगी। साथ ही साथ आलू की फसल में खरपतवारों का जमाव बहुत होता है, खरपतवारों का। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी, बीज को जब आप रोपाई करेंगे तो उसको उपचारित करेंगे तो फफूंदी नाशक दवाई आती है, हमारे कागुआ आता है या मैंगोजेब आता है, ये दवाई हमारे पोर्टल में जाएंगी, फफूंदी नाशक दवाई, इसको आप ले लेंगे, आप इसको मंगा लेंगे पोर्टल से, डिजिटल सेवा पोर्टल से, और उससे 5 से 10 ग्राम मतलब 3-4 ग्राम दवाई कागुआ पानी में डाल लो प्रति लीटर, और जैसे मैं ले 50 लीटर पानी एक ड्रम उसमें दवाई डालो 150 ग्राम, और उसमें आलू को डुबोने के बाद उसकी रोपाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो बीज को हमेशा आलू के बीज को उपचारित करने के बाद ही रोपाई करनी चाहिए, नहीं तो बीज में रोग लगने की संभावना रहती है 80%। अगर आलू की फसल में बीज में रोग लग गया तो आलू की फसल आपकी खराब हो जाएगी। तो बीज को उपचारित करना बहुत आवश्यक होता है, उसको बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। इसके लिए फफूंदी नाशक दवाई बाजारों में मिल जाएगी बहुत सारी, हमारे पोर्टल पे है, आप मंगा सकते हैं, मंगानी चाहिए आपको, 1-2 डब्बा मंगा लीजिए, उससे आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल करके, जैसे आपका 50 लीटर पानी ले लो, एक ड्रम ले लो, गाँव में ड्रम तो होते ही है, उसमें पानी डाल लिया 50 लीटर, उसमें 150 ग्राम दवाई डाल ली और आलू का बीज उसमें डाला, थोड़ी देर उसमें 2-4 मिनट के लिए रखा, उसके बाद एक पॉलिथीन बैठा लीजिए, पॉलिथीन पर उसको बीज को थोड़ी देर के लिए सुखा लीजिए,
तो उसमें दवाई का असर पहुंच जाएगा बीज में। तो जो फफूंदी जनक रोग है फंजीसाइड जो आलू की सतह से चिपका रहता है, आपने देखा होगा आलू का जो आलू होता है उस पर काले काले चित्ते होते हैं कभी कभी, तो उसको बोलते हैं ब्लैक फंगस। अगर वो एज इट इज रोपाई कर देंगे तो उसमें बीमारी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको फफूंदी नाशक दवाई से उपचारित करना बहुत आवश्यक है। जो बहुत ही तकनीकी फार्मर है वो ये काम करते हैं, पहले से ही करते हैं, लेकिन आज के टाइम में सबको तकनीकी होना बहुत आवश्यक है। तो फफूंदी नाशक दवाई आप मंगाइए, उसे उपचारित करिए। साथ ही साथ जब आलू की रोपाई आप कर लेते हैं, और आलू पर खरपतवारों की बहुत समस्या आती है, संकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, और उससे पैदावार प्रभावित होती है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक प्रोडक्ट आता है मैट्रीव्यूजन, मैट्रीव्यूजन बायर कंपनी का आपने सुना होगा, सैनकोर है, हमारा भी आता है टाटा, टाटा कंपनी का आता है टाटा मैट्री के नाम से, हमारा भी आता है मैट्रीव्यूजन। तो उसको आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ आलू रोपाई के तुरंत बाद 200 लीटर पानी में घोल करके जो कूड़ है या मेड़ है जहां आलू की रोपाई करिए उसके ऊपर उसका स्प्रे कर दें, तो किसी भी तरह के खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह कि वो चीज दो रोपाई के 2 दिन के अंदर ही करनी है। आज आपने रोपाई करी, कल आपने दवाई का स्प्रे कर दिया, सुबह के समय करें, शाम के समय, धूम तेन मना करें, सुबह शाम के समय करें, तो किसी भी तरह के खरपतवारों का, मतलब रोपाई करेंगे तो मिट्टी चढ़ाने की बात करेंगे, इसमें ट्रैक्टर से रोपाई करी उसमें मिट्टी चढ़ जाती है, हाथ से करेंगे मिट्टी चढ़ाने के बाद ही उसमें हम दवा का छिड़काव करेंगे। वो दवा का नाम है मैट्रीव्यूजन, 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल करके एक एकड़ के खेत में रोपाई करने के बाद 2-3 दिन के अंदर स्प्रे कर देंगे, तो उससे किसी भी तरह के खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। इस उपचार को हम बोलते हैं प्री इमरजेंस का मतलब होता है खरपतवार जमने से पहले किसी दवा का स्प्रे करते हैं उसको हम प्री इमरजेंस बोलते हैं, और जो खरपतवार जमने के बाद दवा का स्प्रे करते हैं तो उसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका खरपतवार जमने से पहले दवाई। इसके बाद भी अगर खरपतवार जमते हैं उसके बाद भी आप मैट्रीव्यूजन को प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक इस तरह के नोजल आ गए तो मार्केट में, उस पर कैप लग जाती है, कैप लगा करके नाली नाली के बीच में स्प्रे करिए तो डायरेक्ट खरपतवार भी पड़ता है पौधे में नहीं पड़ेगा, क्योंकि खरपतवार नाशी बहुत से ऐसे होते हैं जो फसली पौधे में डालते हैं तो उसको जला देते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप नोजल इस तरह के आ गए मार्केट में, अब तो जो फ्लैट फ्रेंड नोजल है, जो जिनका जो छिड़काव होगा उसका जो प्रेशर है वो नीचे जड़ों की तरफ रहता है, और जो आलू की जो नालियां होती है बहुत गहरी होती है, काफी उसमें डिस्टेंस होता है, तो कैप लगाने के बाद उसका स्प्रे करेंगे तो ये हो जाएगा। 20 से 25 दिन का जब आलू हो जाता है उसके बाद आप पहला पानी लगा देंगे, खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे तो कर ही देंगे, इसके बाद फफूंदी नाशक दवाई का स्प्रे भी करेंगे, माइक्रोटेन लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं, सागरी का लिक्विड आता है उसका स्प्रे करेंगे, इससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। और आलू एक ऐसी फसल है जिसमें हमें हर समय खेत में निगरानी करनी बहुत आवश्यक है, हर सप्ताह के बाद, हर 15 दिन के बाद जाएंगे देखेंगे बैठ करके कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, कोई पत्ते सिकुड़ तो नहीं रहे, क्योंकि मौसम की परिस्थिति के कारण आलू में बीमारियां आती हैं। अगर मौसम में थोड़ा बादल हो गया, कोहरा पड़ गया और कुछ हो गया तो उसमें आलू की पत्तियां सिकुड़ जाती है, उसके लिए हमें फफूंदनाशक दवाई का समय समय पर छिड़काव करना चाहिए, बीमारी लगे या ना लगे उससे पहले हम छिड़काव कर सकते हैं। तो इस समय ये कि आप आलू की रोपाई करें और बीज लें, उसके बाद गेहूं की तैयारी भी करें, गेहूं का समय आ गया है बुआई करने का, अभी आज तारीख होगी 12-25 अक्टूबर के आसपास आप गेहूं की बुआई के भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे तापक्रम में चेंज हो रहा, तापक्रम कम हो रहा, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होता है तो आलू के लिए सुटेबल होता है, उसके गेहूं के लिए सुटेबल होता है। तो इस समय आप आलू की रोपाई की तरफ ध्यान दें, जो क्षेत्र आलू उत्पादित है वहां करें, और खाद की मात्रा, खाद अच्छे से डालें, 75 से 100 किलोग्राम DAP प्रति एकड़, और पोटाश जरूर डालें इसमें 20 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, और आपका जिंक सल्फेट डालें तो अलग से डालें, DAP में नहीं मिलाना, अलग से मिलाना है, सागरिक का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जरूर डालें, ताकि आपका जो गांठे होती है जड़ों में, नंबर ऑफ ट्यूबर्स होते हैं वो अच्छे से बैठे और आपकी पैदावार 15 से 20% अधिक हो। तो ये चीजें होती है इसमें करने के लिए। आलू में बहुत सारे खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, बाकी फसल में नहीं होती, क्यों होती है, क्योंकि आलू बहुत मोटा मांसल होता है, जितने भी फर्टिलाइजर डालेंगे उतना ही फूलता है वो, अगर नहीं डालेंगे तो छोटे छोटे उसके दाने छोटे छोटे पड़ जाएंगे, फिर पैदावार घट जाएगी, तो जितना डालेंगे उतना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं डालना आपने, बहुत से किसान है कि 4 बैग 5 बैग डाल, इससे आपकी आलू की जो आपकी जमीन की ताकत
एक बार तो बढ़ेगी, फिर बाद में धीरे धीरे जमीन हैबिचुअल हो जाती है, उतना खाद डालेंगे तब जाके होगा, नहीं तो आपको लगता है कि यार ये तो खर्चा भी बहुत हो जाएगा ना। डीएपी का कट्टा भी एक बार 1300 रुपए का है, चार भी डालेंगे तो बहुत खर्चा बैठता है। तो इसमें 2 बैग 75 से 100 किलो प्रत्येक का डालें, बाकी गोबर की खाद आप डाल रहे, कंपोस्ट आप डाले गए हैं, सागरी का आप डालते हैं ये, तो ये आप डालेंगे। पोटास बहुत जरूरी है आलू की फसल में, सब्जियों में जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे बैंगन हो, गोभी हो, इन सब में पोटास की बहुत आवश्यकता होती है, पोटास जरूर डालें आप, मिल जाते हैं, आईपीएल कंपनी का होता है पोटास में, बायो पोटास भी आ गया वो भी ले सकते हैं आप, बट आईपीएल कंपनी का आता है, वो लेकर के आप पौधों की जड़ों में डालें, जमीन में डालें। तो ये कुछ चीजें थी आलू के बारे में बताने के लिए, बाकी आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 9005609062, आप मेरे से कभी बात भी कर सकते हैं, और ये आप कभी भी खेती बाड़ी के बारे में कोई जानकारी करनी हो, खाद के बारे में, कौन सा कंपनी कहाँ से लें, कहाँ से बीज लें, किस सोर्स से लें, क्योंकि मार्केट में आम आदमी को समझना बहुत टफ है, उसके लिए बहुत सारी दुकानें हैं, उसको समझ नहीं आती कौन सी कंपनी का बीज है। अभी बहुत सारे वियली भाई पूछते हैं कहाँ से लें, गेहूँ के बारे में पूछ रहे हैं कहाँ से लें, क्योंकि बीज आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन उसमें ये नहीं कि कौन सी कंपनी है, क्योंकि कंपनी ऐसी हो जिसका थोड़ा सा रिसर्च सेंटर हो, उसकी लैब हो, वहां से बीज निकला हो, ऐसा बोरिंग में भर के बेच दिया उसको नहीं होता, रसीद लीजिए, पक्का रिसिप्ट लीजिए आप वहां से, तो आपका जमाव अच्छा है तो बताइए ठीक है आपका बीज अच्छा निकला, खराब है तो आप कह सकते हैं कि भाई आपसे मैंने बीज लिया था, ये रसीद है, जमाव अच्छा नहीं हुआ। अगर आपके पास रसीद ही नहीं है तो फिर कहाँ से लेंगे, तो रिसिप्ट होना बहुत जरूरी है। तो आज का यही था, और किसी तरह की तकनीकी जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको बता दिया 9005609062। ठीक है, धन्यवाद, अगले बार मिलते हैं बृहस्पतिवार।